अच्छा और तो और क्या, एक सेकंड, तुम्हारे पास तो मेरी सर, वीडियो आ रही है? जी सर आपकी वीडियो आ रही है, सब सही है, सेट है सब सेट चल रहा है? मैंने वीडियो को जी सर। रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया और मैं इसको स्पीकर व्यू पे डाल रहा हूँ, एक सेकंड, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना यार, ये पता नहीं। अच्छा, तुम्हें तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे सकता यार, प्लीज 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 ऐसा नहीं करें आप। अच्छा सर, फिर डील तो खराब कर दिया आपने मुझे, आप प्रॉमिस आपसे ले लें, मैं कल तक देख लूंगा यार ये नहीं करो, एक सेकंड, एक मगर यार एक आपने गॉड प्रॉमिस करवाया मुझसे। हाँ हाँ, मैंने गॉड प्रॉमिस करवाया, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, अब तो कुछ भी सर नहीं हो वो सकता। नहीं सर, आप अगर चाहें तो आप ले सकते हैं वापसी ना, मतलब नहीं, मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता, मैं अल्लाह ताला के मामला में ना अल्लाह पढ़ नहीं सकता भाई, अल्लाह का मामला है। तो ताला अब तो मेरा मामला रहा ही नहीं को आप है। मामले में लाते ही नहीं ना पहले, तो फिर अल्लाह ताला के मामला में पढ़ते नहीं है। मैं, अच्छा देखो, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट के अंदर वापसी भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारे 2 मिनट से ज्यादा नहीं ले रहा, मैं सिर्फ तुम्हें चलना फिर छोटे ठीक है। सवाल करके सिर्फ एक्सटेंट का बता के तुम्हें वापसी भेज रहा हूँ, डायरेक्शन तुम्हें वीडियो ठीक पे समझ है में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। देखो, मैं ये बोल रहा था कि अगर तुम्हारी शादी हो रही है, तुम तो धूम धड़कते जा रहे थे, मान लो जी तुम्हारी जो जी बेगम है ना, तुम्हारी जो बेगम है ना, जिनसे तुम्हारी शादी हो रही है, मान लो उनकी हाँ मर्जी के खिलाफ हो रही है और उनको तुम बिल्कुल ओ, पसंद नहीं हो, ओहो क्या सीन, क्या बैड सीन चल रहा है ना, अब वो कैसे आई मैं है आप पे डाल वो? दूंगा पूरा कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, पहले पता तो अच्छा कर ना, लेते चलो, उससे। हाँ अच्छा चलो ठीक है ना, सर वो ये मैं गलत पता किया कर रहा था, आपने, बहुत गलत किया। मेरी गलती, हाँ सर आपकी मैंने गलती, बगैर उससे अब मैं पूछा नहीं था। पढ़ रहा आपसे अबे भाई, अभी मैं कुछ बोलूं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन गलतियां तो मैंने और भी कुछ की है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, लेकिन खैर आप मुझे बताएं लेकिन आप मुझे बताएं, आप मुझे ठीक है बताओ, सर। दुल्हन वो जो है ना, वो दुल्हन जो है वो कैसे आएगी? हाँ वो एक तो पहले उसका शादी का दिल नहीं है, उसके कुछ गोल्स, तो उसमें पढ़ना वढ़ना था मान लो, और उसको अभी नहीं करनी थी शादी, लेकिन अब शादी कर रही है, वो खुशी से नहीं कर रही है, और अब मुझे बताओ अब वो कैसे आएगी, वो किस तरह से आ रही होगी? क्या वो मुंह सर नीचे करके आएगी, सर दुखी नीचे करेगी? दुखी। क्या भाग भाग के आएगी या मुरझाए हुए अंदाज से आएगी, स्लो स्लो आएगी बिल्कुल? सर वो क्या बता, बीच वाली खिड़की से भाग गई। अल्लाह अकबर, नहीं इतना नहीं है वो, मतलब जो ना अच्छा अच्छा भागने वाली नहीं है, भागने वाली नहीं है, सही ना, खिड़की में वो ताला है, खिड़की में गार्ड ताला बैठे है, हुए। हाँ गार्ड भी फिर ठीक बैठे है, हुए, फिर वो स्लो स्लो ही और आएगी, फिर वो स्लो स्लो ही मजबूरन आएगी, आएगी सर, वो बहुत मजबूरन आएगी फिर। मजबूरन आएगी बहुत। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, अगर केसी की वैल्यू बहुत क्या है, कम है, अगर उसकी एक्साइटमेंट का लेवल, मतलब मैंने बोला केसी को समझ लो, केसी तुम्हारी एक्साइटमेंट है या उसकी एक्साइटमेंट है, अगर केसी की एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही क्या है, कम है, मान लो इस तरह से कम है। 0.0000 इस तरह से करके, या 10 की पावर -10 है, तो इसका मतलब वैल्यू बहुत छोटी हो गई, अब उसकी सही है, स्पीड खुद ब खुद खुद क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ब खुद रिएक्टेंट कम हो की जाएगी। खुद ब खुद स्लो हो जाएगी, यानी अब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो वो बहुत ही स्लो स्पीड में स्लोली होंगे, हूँ। हाँ स्लोली होंगे, और इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि वो प्रोडक्ट जो है ना, यानी वो शादी करने के बाद जो लड़की ना, वो ज्यादा खुश नहीं है, इसका मतलब वो पहले ज्यादा खुश थी, यानी पहले वो स्टेबल थी, अब बाद में अनस्टेबल हो गई, अनस्टेबल। बात अच्छा समझ में आ सही। गई? और मान लो, और अब मान लो क्या, अब जो ना हमारे हमारे आमतौर पर जो सोसाइटी में शादियां होती है, मान लो 26-25 साल की उम्र में लड़के की और लड़कियों की जो चल रही होती है उसके अंदर, या 26 नहीं करते हैं, चलो 26 में भी एक्साइटमेंट ज्यादा हो सकती है, हम करते हैं 28-29, जिसमें ना एक्साइटमेंट ज्यादा है और ना कम है, बस सही, ये काम है, काम करना पड़ रहा, तो शादी भी एक काम हो गया, वो भी करना पड़ेगी, सही बात समझ सही में आ है। गई? तो अब नहीं सर बताओ अब, तब तो ज्यादा एक्साइटमेंट होगा, 28 साल के बाद बेचारा आखिरकार शादी कर रहा है, जो भी है मुझे हटा अल्लाह के ना, जो भी है तो वो तो तरस रहा हाँ होगा 28 साल तक, तो फिर तो ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, और ज्यादा होगी, डेस्परेट उसने और एक्स्ट्रा हो भी गया, वेट किया है, डेस्परेट हो डेस्परेट हो गया गया वो होगा वही तो सर, डेस्परेट लोग। समझ गया आप समझ गया, मैं कुछ और, किसी और को भी देख सर रहा हूँ, लेकिन खैर, लेकिन चलो, अगर मान लो जी 25-26 साल की उम्र है, 25-26 साल की उम्र है और तब शादी कर रहे हो, सर तब तब वो ज्यादा एक्साइटेड होगा या फिर जी कम सर। मॉडरेट होगा तुम्हारे ख्याल में, हाँ कब एवरेज होगा? एवरेज कौन सी उम्र में होगा ठीक है तुम्हारे सर, ख्याल में, कब होनी चाहिए एवरेज, बताओ एवरेज? एवरेज तो सर कम होनी चाहिए ना, 25 में होगा, 25 में हो जानी 25। चाहिए, 25 में हाँ शादी हो रही है उसकी, 25 में शादी हो रही है, हाँ एक्साइटमेंट ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। अरे अबे सोच ले, एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं है, बस ठीक है, बस ठीक है, कम है, बस कम भी ठीक है, नहीं है, हाँ ठीक है, सही है हाँ ठीक है, ठीक बस है ठीक है, हो रही है, लड़का भी बोले ठीक हाँ है, ठीक है, हो रही हो है रही है तो हो रही है, सही और है, लड़की बोले बस हाँ अनगिनी हो रही है ठीक है हो बस। रही है तो, हाँ सर अरे ठीक नहीं है, हो रही बताओ है, कब होगा, हाँ अरेंज हो कब रही है, और होगा? पसंद वो मतलब जो जहाँ खुद का सीन था, जहाँ करनी थी वहां नहीं हो पाई, वो लड़की किसी और से हो गई, ओ अब घर वाले करवा रहे हैं तो बस हो रही हाँ है, हाँ बस बस सही है ठीक है, ये ठीक है। अरेंज वाला सीन है कि बस हो रही है, तो हाँ अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, केसी की वैल्यू क्या होगी, केसी इज मॉडरेट, कि केसी की वैल्यू ना ही तो बहुत कम है, ना ही तो एक्साइटमेंट बहुत कम है, ना ही बहुत ज्यादा है, जाता मतलब है मान लो 1 से लेके 100 तक के दरमियान में, 1 से लेके 100 तक के ठीक है। दरमियान की वैल्यू ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, बस सही है ठीक है, 50। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ तो यहाँ
यहाँ पे क्या होगा, 50-50 वाला सीन है, यहाँ पे रिएक्टेंट जो होगा वो नॉर्मल स्पीड से जाएगा, नॉर्मल स्पीड से, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो नॉर्मल स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब इससे एक बात समझ में आती है कि रिएक्टेंट भी स्टेबल है और प्रोडक्ट भी स्टेबल, यानी कि इसके अंदर ये पता लगता है, इसके अंदर ये पता लगता है कि वो शादी करने से पहले जितना खुश था और शादी करने के बाद जितना खुश है, दोनों तकरीबन बराबर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ठीक है। हाँ बस ठीक है, ठीक है, शादी हो गई, जिम्मेदारी से उतर गए। अब यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ केमिकल एक्शन मैं तुम्हें करवा चुका, इसके बाद तुम ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर लो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन में अपने आपको ही पढ़ा के तुम्हें वीडियो सेंड कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद वाले जो वीडियो लेक्चर सेंड करने हैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई। देखो अब दिखाना कि आप तुम्हें अकेला ही हूँ, सही ना फरदान, देखो डायरेक्शन या तूबा, सही ना, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगती है भाई। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो तूबा या फरजान, आप दोनों में से एक को चूज कर लेते हो, फरजान आपकी बात कर लेते हो, फरजान, फरजान तुम्हारी बात करो, मैं समझ लो, सोच लो, तुम्हारी जो है ना महीने की जो रिक्वायरमेंट है पैसों की, वो है महीने की रिक्वायरमेंट 10,000 रुपए, मान लो 10,000 रुपए में तुम्हारा बहुत अच्छा खर्चा चलता है, याशी भी कर लेते हो, सब चीजें कर लेते हो 10,000 रुपए में। अगर तुम्हारे पास महीने के शुरू में तुम्हारे पास 10,000 नहीं है, तो 10,000 से कम है, मान लो तुम्हारे पास 2,000 पड़े हुए, 3,000 पड़े हुए, तो तुम कहाँ पे जाओगे, तुम 10,000 तक पहुंचने के लिए आगे की तरफ जाओगे ना, यानी कि तुम पैसे कमाओगे या अब्बू से पैसे मांगोगे या कहीं से सब्जी लेने जाओगे उसमें से पैसे मार लोगे वगैरह वगैरह, तो सबके अंदर से पैसे मार मार के तुम 10,000 तक पहुंचने की कोशिश करोगे। 2,000 से 10,000 में पहुंचने के लिए तुम 8,000 तुम्हें क्या करना पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे, तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, 2,000 से 10,000 में आगे जा रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। इसी तरह से अगर तुम्हारे पास मान लो 15,000 पड़े हुए थे, तुम्हें जरूरत थी 10,000 की, तुमने बोला 5,000 की, सर हम आपको ट्रीट कराते हैं, हम जो ना आज फरहान की बिरयानी खाने चलते हैं, पिज्जा खाएंगे, ये वो खाएंगे, तुमने 5,000 ना उड़ा दिया, 5,000 उड़ा दिया, तुम वापसी 10,000 पे आ गए, और 10,000 के अंदर अब तुम बिल्कुल सोच रहे हो कि अब यहाँ पे इस 10,000 में तुम्हारा महीने का खर्चा निकल जाएगा। तो तुमने क्या किया, तुम 15,000 से पीछे आ गए, 15,000 से पीछे आ गए, कहाँ पे, 10,000 पे आ गए, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो है कि तुम्हारे पास महीने के शुरू में 10,000 थे और तुम्हें 10,000 की ही जरूरत थी, तब तुमने क्या किया, तुम उधर ही रहे, तुमने ना खर्च किए, ना क्या नाम है, मतलब ना उड़ाए पैसे और ना किसी से मांगे, ना कुछ भी नहीं किया, ना कमाए वमाए कुछ भी नहीं किया, 10,000 थे 10,000 रहने दिया, और तुमने जो महीना था वो सुकून से गुजारा, और जो है अपनी जो भी तुमने अय्याशी वय्याशी करनी थी वो भी कर ली, जो एक्सपेंसेस करने थे वो भी सब कर लिए। तो ये था तीसरा सिनेरियो। पहला सिनेरियो है कि 10,000 से कम है तो 10,000 तक पहुंचने के लिए आगे जाना है, दूसरा सिनेरियो है कि 10,000 से ज्यादा है तो आगे से पीछे आना है 10,000 रुपये पहुंचने के लिए, और तीसरा सिनेरियो है कि 10,000 ही है तो कहीं पे भी नहीं जाना। तो मैं ये चीजें समझाता हूँ, देखो एक होता है केसी, केसी होता है इक्विलिब्रियम पे, सही ना, केसी होता है इक्विलिब्रियम पे, और एक होता है के आई, के आई से मुराद होता है इनिशियल वैल्यू का कॉन्स्टेंट। सिंपल अल्फाज के अंदर अगर रिएक्शन के बीच में देखोगे, जहां पर रिएक्शन स्टार्ट सॉरी जहां पर रिएक्शन स्टॉप हो चुका, तो वो वाली स्टेट कहलाती है इक्विलिब्रियम स्टेट, वो वाली स्टेट कहलाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ना फॉरवर्ड जा रहा होता है ना रिवर्स जा रहा होता है, वहां पे जो केसी, वहां पे जो कांस्टेंट होता है वो होता है केसी। एक होता है इनिशियल वैल्यू, जहां पे अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ और रिएक्शन अभी स्टार्ट होना है उसने, अगर मान लो इनिशियल वैल्यू यानी जो तुम्हारे पास 10,000 से कम वैल्यू है, यानी 2-3,000 है महीने के शुरू में, वो है तुम्हारी इनिशियल वैल्यू। अगर इनिशियल वैल्यू कम है केसी की वैल्यू से, तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के तुम आगे आखिरी चीज, अगर इनिशियल वैल्यू बराबर है केसी की वैल्यू के, तो यहाँ पे क्या होगा कि तुम कहीं पर भी जाओगे, तुम जहां हो वहीं रहोगे, और ये वाली हो जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट, और यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप ही रहता है। सही चीज समझ में आ रही है बात? तो ये था हमारा आज का टोटल रिएक्शन, टोटल चैप्टर या टोटल लेक्चर जो भी था। और अगर आप लोग, क्या नाम है, तूबा फरजान, आप लोग, या अब अगर मैंने इस वीडियो को इंशाल्लाह कभी ना कभी यूट्यूब पे अपलोड किया ताकि दूसरों की हेल्प कर सकूं, अगर मेरे दिल में ऐसा कुछ हुआ,
तो आप लोग यहाँ पे इस वाला इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस साइड पे मेरे साइड पे नजर आ रहा होगा, वहाँ पे देखें ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट है वो, और उसी के बाद नीचे वाला सेकंड पार्ट है, ये दोनों पार्ट आप लोग देख सकते हैं, तो आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा, और यही दोनों लेक्चर प्रधान तुमने सुनने हैं, ठीक है? तो अब अपना ख्याल रखें आप लोग, ओके, अल्लाह हाफिज।